यूपी में विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें गंगो, रामपुर, इगलास, लखनऊ कैंट, गोविंद नगर, माणिकपुर, प्रतापगढ़, जैतपुर, जलालपुर, बलहा और घोसी शामिल है। इन सीटों पर मतदान के चौथे दिन 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। 2017 में 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी का पहले से कब्जा था, जबकि सपा और बीएसपी के पास पहले से एक एक सीट आई। प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा रहा। उपचुनाव में लखनऊ कैंट सीट पर सबसे ज्यादा 13 उम्मीदवार हैं, जलालपुर सीट पर 12, जबकि घोसी, गंगो, प्रतापगढ़ और बलहा में 11-11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि रामपुर, इगलास और जैतपुर में 7-7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 228 और हरियाणा की 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुबह वोट डालने पहुंचे। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में नतीजे पता चल जाएंगे, राजनीति की बातें नेताओं से जाकर पूछे। पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जरिए की गई इस कार्रवाई में 7 आतंकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले को अंजाम देने के लिए सेना ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में कई लॉन्चिंग पैड भी तबाह हो गए। इन आतंकी ठिकानों में से 3 लश्कर तैयबा के थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 सैनिक शहीद हो गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं भारतीय सेना ने भी पाक सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन एरिया में बाइक सवार बदमाश बमबाजी कर फरार हो गए। कोचिंग संस्थान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। सीतापुर के कालीमापुर में दबंगों ने खौफनाक कदम उठाते हुए एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। दबंगों ने घर में पेट्रोल डाला और आग लगाकर फरार हो गए। आग लगते ही घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद 4 दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जमीन के रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका है। सितारगंज में दारोगा की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा को लेकर आक्रोशित लोग दिख रहे हैं। वहीं कुछ युवक दारोगा को पीछे से थप्पड़ भी मारते दिख रहे हैं। भीड़ दारोगा को पीटने की कोशिश कर रही है। दारोगा पर शराब के नशे में अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। वीडियो 16 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव के दौरान का है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दारोगा पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। ग्रेटर नोएडा के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 2 कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप में भीषण मारपीट हो गई। यहां करीब 60 से 70 छात्रों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान छात्रों का आक्रोश सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पर भी टूट पड़ा और छात्रों ने उनकी भी पिटाई कर डाली। साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी की। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कमलेश की मां, पत्नी और बेटे ने सीएम से मिलकर हत्यारों के लिए मौत की सजा की मांग की। सीएम ने परिवार को हर संभव मदद देने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम से मुलाकात के बाद परिजनों ने कहा कि सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। कमलेश तिवारी के हत्यारे जिस होटल में ठहरे थे वहां से पुलिस ने दोनों के सामान बरामद किए। दोनों हथियारे लखनऊ के ही नाका थाना क्षेत्र के खालसा इन होटल में ठहरे थे। वहां से पुलिस ने भगवा कपड़े और बैग बरामद किए। बरामद कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है।
शनिवार रात को पुलिस टीम को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर लखनऊ पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर सबूत जमा किए। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। जानकारी मिली है कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद आरोपी होटल पहुंचे। यहां पर आरोपियों ने कपड़े बदले, कई घंटे होटल में रुके, इसके बाद वहां से शनिवार की सुबह फरार हुए। खालसा होटल में सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 से 18 अक्टूबर की रात 12:08 पर होटल में चेक इन किया था। 18 अक्टूबर की सुबह 11:38 पर दोनों आरोपी भगवा कपड़े पहने होटल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आरोपियों के हाथ में थैला भी है। हैदराबाद यूनिट में डिप्टी ऑफिसर के पद पर तैनात भोपाल की नेहा चौकसे ने सुसाइड कर लिया। नेहा ने सुसाइड नोट में भेल के सीनियर अफसर और उसके साथियों पर फोन हैक किए जाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेहा के रिश्तेदारों का आरोप है कि भेल भोपाल से ही नेहा के साथ प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ था, जो भेल हैदराबाद तक जारी रहा। इस पूरे मामले की जांच के लिए नेहा के रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित तुर्की यात्रा को रद्द कर दिया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब तुर्की ने हाल ही में FATF में पाकिस्तान का साथ दिया था। पीएम मोदी एक बड़े निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 27-28 अक्टूबर को सऊदी अरब जा रहे हैं। उन्हें वहां से तुर्की जाना था, लेकिन अब वो वहां नहीं जाएंगे। माना जा रहा है कि तुर्की के पाकिस्तान के प्रति रवैये के मद्देनजर भारत ने ये कदम उठाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति कोविंद गुरुवार को अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे। बापू की प्रतिमा पर अनावरण करने के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, प्रवासी भारतीयों के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा, हमने आपके लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त करने के नियमों में ढील दी है। नए पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले वक्त को कम करने के लिए दूतावास यहां पासपोर्ट की छपाई शुरू करेगा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर की दरियादिली सामने आई है। गंभीर ने दिल की बीमारी झेल रही 7 साल की पाकिस्तानी बच्ची को इलाज के लिए भारत का वीजा दिलाने में मदद की है। गंभीर ने विदेश मंत्रालय में चिट्ठी लिखकर दरख्वास्त की थी। गौतम गंभीर के पत्र का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को उसके अभिभावकों को जरूरी वीजा देने का निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अगले बिहार विधानसभा चुनाव में NDA का नेतृत्व करेंगे। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित IIM में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टार्टअप इवेंट का शुभारंभ किया और वहां मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हनुमान को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु बताया। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में लापता एक अधिवक्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले 15 तारीख से लापता अधिवक्ता का शव भोपा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। जैसे ही अधिवक्ता की मौत की सूचना परिजनों और अधिवक्ताओं को मिली तो सभी नगर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने घंटों तक जाम लगा दिया और हंगामा किया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया और मामले को शांत किया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि 6 लाख का बिल बनाकर शव देने से अस्पताल ने मना कर दिया। नोएडा के सेक्टर 100 की लालबत्ती के पास एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी में हेड़ा खान रोड पर रौनसिल के पास एक पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त पिकअप में 30 से 32 लोग सवार थे। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 1,00,000 के कुख्यात बदमाश संजीव पकौड़ी को ढेर कर दिया। आरोपी संजीव पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जबकि सरूरपुर के प्रधानपति की हत्या के मामले में ये बदमाश वांछित चल रहा था। बस्ती में बहुचर्चित APNPG कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता कबीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कबीर तिवारी की हत्या वर्चस्व के लिए की गई। BJP नेता कबीर और भाजयुमो के जिला मंत्री खुद को जिले में युवाओं के बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे और वो इसके लिए लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते थे। रुद्रपुर में रामपुरा चौकी क्षेत्र के रेशमवाड़ी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर आरोपी पति ने खुद को भी फांसी लगा ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूर्व लिंक रोड थाना प्रभारी लक्ष्मी चौहान समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। 70,00,000 के गबन में 7 पुलिसकर्मी आरोपी हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले वीर सपूत का मोबाइल की रोशनी में अंतिम संस्कार किया गया। इससे खफा गांव वालों ने पहले तो अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया, बाद में DM के समझाने के बाद शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। रुड़की में लगातार बढ़ रहे डेंगू और वायरल बुखार से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भगवानपुर कलियर सहित देहात क्षेत्रों में लोगों की डेंगू और वायरल बुखार से मौत हो चुकी है। सिविल अस्पताल में भी 12 मरीज डेंगू के भर्ती हैं। आगरा में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगरा का DM कार्यालय हो या आगरा का जिला अस्पताल या फिर SN मेडिकल कॉलेज, सभी जगह बंदरों से लोग परेशान हैं। DM कार्यालय पर बंदरों से अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है। बंदर जरूरी कागजात ले जाते हैं और जो वादी आते हैं उनका भी नुकसान करते हैं, गाड़ियों की शीट तक फाड़ देते हैं। उत्तराखंड में इस बार पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले इस साल विंटर सीजन में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। नमी और वक्त से पहले तापमान में गिरावट इसकी वजह मानी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वक्त से पहले ऊंचाई और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इससे विंटर सीजन में कोहरा और ठंड दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जल्द होने की आशंका है। आगरा के MG रोड पर स्थित MG जैन इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी पूरा देश देखेगा आगरा की गुरु भक्ति। कार्यक्रम में भजन गायन क्षेत्र के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें टॉप 3 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रयागराज के मुस्लिमों ने उर्दू में रामलीला को तैयार किया है। इस खास रामलीला में राम के किरदार पर ही ज्यादा फोकस भी किया गया। उर्दू में तैयार की गई इस खास रामलीला के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर मुस्लिम ही हैं। साथ ही रामलीला के तकरीबन आधे किरदारों को अकलियत के लोग ही मंच पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने POK में आतंकियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जरिए की गई इस कार्रवाई में 7 आतंकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले को अंजाम देने के लिए सेना ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में कई लॉन्चिंग पैड भी तबाह हो गए। इन आतंकी ठिकानों में से 3 लश्करे तैयबा के थे। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिक, आतंकी और कई लोग मारे गए। पाकिस्तान के 22 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि 22 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी भारतीय सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुपवाड़ा में सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 सैनिक शहीद हो गए और 1 नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं भारतीय सेना ने भी पाक सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन एरिया में बाइक सवार बदमाश बमबाजी कर फरार हो गए। कोचिंग संस्थान के बाहर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस CCTV के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है।
सीतापुर के कालीमापुर में दबंगों ने खौफनाक कदम उठाते हुए एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। दबंगों ने घर में पेट्रोल डाला और आग लगाकर फरार हो गए। आग लगते ही घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद चार दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जमीन के रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका है। सितारगंज में दारोगा की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा को लेकर आक्रोशित लोग दिख रहे हैं। वहीं कुछ युवक दारोगा को पीछे से थप्पड़ भी मारते दिख रहे हैं। भीड़ दारोगा को पीटने की कोशिश कर रही है। दारोगा पर शराब के नशे में अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया है। वीडियो 16 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव के दौरान का है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दारोगा पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। ग्रेटर नोएडा के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में दो कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप में भीषण मारपीट हो गई। यहां करीब 60 से 70 छात्रों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान छात्रों का आक्रोश सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पर भी टूट पड़ा और छात्रों ने उनकी भी पिटाई कर डाली। साथ ही जमकर तोड़फोड़ भी की। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कमलेश की मां, पत्नी और बेटे ने सीएम से मिलकर हत्यारों के लिए मौत की सजा की मांग की। सीएम ने परिवार को हर संभव मदद देने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम से मुलाकात के बाद परिजनों ने कहा कि सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर की दरियादिली सामने आई है। गंभीर ने दिल की बीमारी झेल रही 7 साल की पाकिस्तानी बच्ची को इलाज के लिए भारत का वीजा दिलाने में मदद की है। गंभीर ने विदेश मंत्रालय में चिट्ठी लिखकर दरख्वास्त की थी। गौतम गंभीर के पत्र का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को उसके अभिभावकों को जरूरी वीजा देने का निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अगले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित आईआईएम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टार्टअप इवेंट का शुभारंभ किया और वहां मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हनुमान को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु बताया। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में लापता एक अधिवक्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले 15 तारीख से लापता अधिवक्ता का शव भोपा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। जैसे ही अधिवक्ता की मौत की सूचना परिजनों और अधिवक्ताओं को मिली तो सभी नगर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने घंटों तक जाम लगा दिया और हंगामा किया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया और मामले को शांत किया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि 6 लाख का बिल बनाकर शव देने से अस्पताल ने मना कर दिया। नोएडा के सेक्टर 100 की लाल बत्ती के पास एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी में हेड़ा खान रोड पर रौनसिल के पास एक पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त पिकअप में 30 से 32 लोग सवार थे। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 1 लाख के कुख्यात बदमाश संजीव पकौड़ी को ढेर कर दिया। आरोपी संजीव पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जबकि सरूरपुर के प्रधानपति की हत्या के मामले में ये बदमाश वांछित चल रहा था। बस्ती में बहुचर्चित APNPG कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता कबीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कबीर तिवारी की हत्या वर्चस्व के लिए की गई।
सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।